जय हिंद साथियों। तो आज हम आप लोगों के लिए बीसीसीएलई का सीरीज 3 यानी कि पार्ट 3 वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें कि आप लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, पार्ट 2 में भी आपने उससे कम रिस्पांस दिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पार्ट 3 में उस दोनों से ज्यादा रिस्पांस आना चाहिए। और आप लोग एक प्यारा सा कॉमेंट किया कीजिए, अच्छा सा, या मानिए आगे किस चीज के लिए आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो चीज लिखिएगा तो आइडिया मिलेगा और जो है कि हम उस पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा जो ये सीरीज जो चला रहे हैं, ये सीरीज जो है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम पास कराने के लिए है, यानी इंग्लिश में 9 से 9 क्वेश्चन सही कराने, 35 मार्क्स ले आइए, इंग्लिश क्वालिफाई करिए, बाकी मैथ मैकेनिक्स बनाइए, रैंक आपका अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का होने वाला है, यानी कि देखिए कि बीसीसीआई यानी कि प्रीवियस ईयर हम जो चढ़ते हैं 2023 से लेकर 2013 तक, हमें लगता है कि यूट्यूब में पूरे और भी चैनल है जिसपे वीडियो बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 22 तक की बातें होती है, लेकिन हमने आपको 23 तक का जो है कि कोशिश करके सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अवेलेबल किया है। तो शुरुआत करेंगे आज हम लोग करेक्ट स्पेल, देखिए करेक्ट स्पेल का मतलब तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और याद रखिएगा ये टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक से हर एक साल आपका क्वेश्चन पूछा गया है और 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यानी कि 20 मार्क्स इस टॉपिक से पक्का आना है आपको, मानिए कि एडजेक्टिव से कम आया लेकिन इससे 5 क्वेश्चन आना है तो यानी कि 20 मार्क्स पक्का। फर्स्ट वीडियो से 20 नंबर इससे, यानी कि 40 नंबर आप हो गए पास, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करेक्ट स्पेल, देखिए सबसे पहले जो चीज है, इसमें जितना आपको वर्ड पावर रहेगा आपके अंदर में, उतना ही ज्यादा क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। यहाँ पर देखा गया कि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए जो है कि क्वेश्चन बैंक को फॉलो करते हैं तो बच्चे लोगों को आइडिया लग जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों के सामने में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताए थे कि डायरेक्शन पढ़ने के लिए, बगवारे जो भी इंग्लिश का क्वेश्चन है उसका डायरेक्शन पढ़ना। तो डायरेक्शन में इसमें देखिए कि दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कहा जाएगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही वर्ड, यानी कि वर्ड जो लिखा गया उसका कौन सा, मतलब कौन से वर्ड का सही स्पेलिंग दिया गया है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि चार ऑप्शन रहेगा जिसमें से आपको ये बताना है इस चारों में से कौन सा ऑप्शन का जो है कि कौन सा ऑप्शन में जो वर्ड ये लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो ये दोनों समझ गए, इसलिए अच्छे से सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ना है। तो देखिए अभी 2013 से, पहले 2023 से शुरू करते थे, लेकिन अब शुरू जो कर रहे हैं हम 2013 से शुरू कर रहे हैं और 2013 से लेके चलेंगे आपको 2023 की ओर। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने एक ही ईयर में लिखा करेक्टली स्पेल, यानी 2013 में आपसे पूछा था कि भैया इसमें चारों में से बताइए कि कौन सा आपका जो है कि इसमें करेक्ट है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें देखिए एक एक ही ऑप्शन लिखे है, मतलब कि चारों ऑप्शन सेम दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में जैसे कि पर एस्पिरेशन लिखा हुआ, इसी तरीके से चारों ऑप्शन में सेम चीज लिखा हुआ था लेकिन अलग अलग मीनिंग लिखा हुआ था। तो यहां पर हमने जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन का देखा तो उसमें लिखा हुआ था पर एस्पिरेशन, चारों ऑप्शन देखने के बाद पर एस्पिरेशन, PER SPIRATION पर एस्पिरेशन, जो कि सही स्पेलिंग है। पर एस्पिरेशन का हिंदी क्या होता है, पसीना आना, क्या होता है, पसीना आना। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखा था तो सेकेंड क्वेश्चन था प्रिविलेज का, PRIVILEGE प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, आपको विशेषाधिकार कहिए या विशेष सुविधा मिलना, ठीक है, विशेष सुविधा आपको मिलना। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन था रिकमांड का, क्या था, रिकमांड, RECOMMEND, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ENDE, रिकमांड, कहते हैं कि रिकमेंड कर दो, मतलब किसी से सिफारिश करना, क्या होता है, सिफारिश करना होता है। नेक्स्ट देखिए फोर में है यूनेनिमस, यूनेनिमस मतलब होता है UNANIMOUS, यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत कहिए, यानी कि सभी के सहमति से, या कहिए एकमत, ठीक है, सर्व यानी सर्वसम्मत कहिए, एकमत कहिए, यानी कि सब लोगों का मति एक तरफ जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में लिखा हुआ लीजर, LEISURE, लीजर, लीजर का मतलब क्या होता है, फुर्सत, यानी कहते हैं कि हमारा लीजर घंटी आ गया, मतलब कि छुट्टी का समय, यानी कि आपको क्या है, आराम कर रहे हैं उस वक्त, फुर्सत मिला हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा 2013 का क्वेश्चन। तो 2014 में देखो वो नहीं पूछा गया, तो कोई बात नहीं है, चलते 2015 में, 2015 में भी आपसे करेक्टली स्पेल्ड के बारे में ही पूछा गया था। नंबर एक में देखिए लिखा हुआ फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है फरफराना,
क्या होता है? फ्लटर का मतलब फरफराना होता है, पंख फरफराना कहिए या छटपटाना कहिए, फरफराना जो भी आप मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड में लिखा हुआ कोलकाता, याद रखिएगा अभी हम लोग कलकत्ता कहते हैं, पहले क्या था? कोलकाता, KOLKATA लिखते थे कोलकाता, ठीक है। इसका देखिए अब जो सही होता है, कलकत्ता हम लोग कैसे लिखते हैं? CALCUTTA कलकत्ता, ठीक है, इसलिए इसको उतना ध्यान नहीं देना, ये वाला प्रॉपर नाउन का कम ही आता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ स्पेक्टल्स, SPECTACLES, अंतिम को ध्यान दीजिएगा, S लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टल मत रहिएगा। स्पेक्टल्स मतलब क्या होता है? चूंकि चश्मा, चश्मा को हम लोग पुलर, चूंकि देखो पुलर, चूंकि चश्मा में क्या होता है? दो आयना लगा हुआ होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ सीजर, SCISSORS, इसको सीजर्स पढ़ते हैं, देखिए अंतिम में एस लगा हुआ है, ठीक है, सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, फिफ्थ में लिखा हुआ है देखिए COLOGNE, इसको हम लोग क्लोन नहीं, क्लोन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? क्लोन पढ़ते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है? इत्र होता है। क्लोन का मतलब क्या होता है? इत्र होता है। तो हमने 2013-14-15 तीन ईयर का देख लिया, अब चलते हैं 16 में। 16 में देखिए कुछ अलग, 1, 2, 3, 4, यानी कि देखिए इसमें 3 लिखा हुआ है, इसमें सर 4 लिखा हुआ है, इसमें भी 4 है, इसमें 1-1 है, तो आखिर बात क्या है? तो देखिए 2016 में भी आपसे पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 में से बताइए कि सही कौन सा लिखा गया है, ठीक है। तो सही जो था वो उसमें कॉर्प्स सही लिखा हुआ था, CORPSE कॉर्प्स, ये जो है ना सही लिखा हुआ था। कॉर्प्स का हिंदी क्या होता है? लाश होता है। लेकिन मानिए अगर हम ये दोनों, वो दो को ऑप्शन में सेम था, यानी दो को अलग था, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों ऑप्शन को लिख दिया ऑप्शन सही करके, ताकि आपको वर्ड पावर बढ़ जाए। तो यहाँ क्या है? हाइजीन। देखिए हाइजीन का स्पेलिंग क्या होता है? HYGIENE, हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है? स्वच्छता, यानी कि साफ सुथरा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ऑप्टिज्म, OPTIMISM, ऑप्टिज्म। ऑप्टिज्म का मतलब क्या होता है? आपसे उम्मीद लगाया, यानी कि आपसे आशा लगाया, यानी आशावादी। नेक्स्ट उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में जो है हमने देखा क्विट, ये जो क्विट है ना इसे हम लोग क्वाइट जो पढ़ते हैं, ये वाला था। क्विट का मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है। एक कहिएगा कि सर इसमें 3 होता है, एक होता है QUIT, क्विट, क्विट का मतलब होता है क्विट कर दो, मतलब छोड़ दो। एक होता है QUITE, क्वाइट, मतलब पूर्णतः, संपूर्ण ढंग से। तो ये हमारा सही दिया हुआ था, और ये तीनों गलत दिया हुआ था, तो इसको हमने सही किया। रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रसीद होता है, RECEIPT, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? रसीद हो गया। नहीं देखिए REIGN मतलब क्या हो गया? रीजन, मतलब हो गया शासन काल। रीजन का मतलब क्या होता है? शासन काल होता है। नहीं देखिए क्या लिखा हुआ? RHYTHM, रिदम। रिदम का मतलब क्या होता है? गाना से, जो लोग गाना वगैरह गाते होंगे उनको पता होगा, यानी कि तालमेल बैठाना, यानी कि एक तरह का लय सुर कह सकते हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं है। उसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा में आप लोगों को जब साइनोनिम्स पढ़ाए थे तो वहां पर पढ़ाए थे विम। विम का मतलब क्या होता है? शनक, धुन, मन की लहर, यानी कि किसी भी चीज को जानने के लिए पागलपन छा जाना, ठीक है, शनक। तो ये हो गया इसका एडजेक्टिव, क्या कहते हैं इसका हम लोग साइनोनिम्स भी आपको लिखाए थे, विम, फैंसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये लिखा हुआ सैलरी, सैलरी का स्पेलिंग गलत दिया हुआ था, तो सैलरी मैंने सही लिखा, SALARY, सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है? सर सैलरी आ गया, मतलब वेतन मिल गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? समय सारणी, कहते हैं कि सर टाइम टेबल बना लिए या शेड्यूल कहिए, सर शेड्यूल कर दिए, मतलब उस समय में हमको हाजिर होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है SEIZE, सीज कर लिया। देखिए ये कहते हैं सीज कर लिया, सर ये चीज मेरा सीज कर लिया। सीज करने का मतलब क्या होता है? कानून की सहायता से, कानून की सहायता से आपके सामान को वो अपने कब्जे में कर लेगा, ठीक है। तो कानून की सहायता से अपने कब्जे में करना, तो इसको लिख लीजिएगा, कानून की सहायता से, कानून की सहायता से कब्जे में करना, ये लिख लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 4 में ह्यूमरस, क्योंकि अब एक ही लिखे जिसका मतलब क्या है? चारों ऑप्शन सेम दिया हुआ था, तो ह्यूमरस का स्पेलिंग क्या होता है? HUMO
ROUS ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है इंटरेस्टेड, सिंपल सी बात। अब मजा लेने वाला कहेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं, तो इंटरेस्टेड मतलब क्या हो गया, उसमें मजा खोजने वाला, यानी कि मजा लेने वाला कह दीजिए, मजा लेने वाला मतलब क्या, वो उसमें उसका रुचि है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा वो फिर से रिकमांड, रिकमांड देखिए आपको क्या कहते हैं, दोबारा आ गया है, रिकमेंड मतलब क्या होता है, सिफारिश करना, तो रिकमेंड का स्पेलिंग आप लोगों को याद हो गया होगा, क्या होता है रिकमेंड का स्पेलिंग, RECOMMEND, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। वो ले चलते हैं 2017 की तरफ, 2017 में देखिए लिखा हुआ है, बस वही करेक्ट स्पेल्ड आपको लिखना था, तो हमने लिखा यहाँ पर बियॉन्ड, BUOYANT, बियॉन्ड, बियॉन्ड का हिंदी क्या होता है, प्रसन्न चित होता है, क्या होता है, प्रसन्न चित, यानी कि हसमुख कहिए। नेक्स्ट सेकेंड में लिखा हुआ मेडाइवल, MEDIEVAL, मेडाइवल, ये आप सुने भी होंगे, मेडाइवल का मतलब क्या होता है, मध्यकालीन, क्या होता है, आप मॉडर्न सुने होंगे, एंशियंट सुने होंगे, मेडाइवल सुने होंगे, एंशियंट मतलब प्राचीन हो गया, मॉडर्न मतलब क्या हो गया, आधुनिक हो गया, और मेडाइवल का मतलब मध्यकालीन हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड में लिखा हुआ प्रिविलेज, PRIVILE, देखिए ये रिपीटेड हो गया, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेष अधिकार कहिए, विशेष सुविधा कहिए, जो आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट लिखा हुआ फोर्थ में हाइजीन, ये भी देखिए रिपीटेड है, HYGIENE, हाइजीन, हाइजीन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता, हाइजीन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता होता है। नेक्स्ट देखिए फाइव में लिखा हुआ ओकेजन, OCCASION, ओकेजन, ओकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर, क्या होता है, अवसर होता है। 2018 से आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी, विशेष जानकारी दे देते हैं, क्योंकि अब तो आप कंफर्म हो गए कि सर पहला वीडियो देखे, दूसरा देखे और ये तीसरा देख रहे हैं, तो लग रहा है कि अब हमारा रिजल्ट होगा, पक्का पक्की रिजल्ट होगा। तो भैया अब किस चीज की देरी है, अब उम्मीद आपको क्या लग रहा है, अब तो सर हम टॉप कॉलेज में पढ़ेंगे, टॉप कॉलेज में पढ़ने के लिए मैथ मैकेनिक्स पढ़ना है, तो जल्द से मात्र 299 के लिए क्या सोच रहे हैं, जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए डायमंड मैथ टेक, वहां से ऐप मिलेगा, जल्द से डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जल्द से डाउनलोड कीजिए और जल्द से इनरोल कीजिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है वहां पर देख लीजिए, और अपना जो है कि अच्छा रिजल्ट सिक्योर कर लीजिए। 2500 तो वहां पर लगाए हैं, 299 के लिए सोचिए मत, जल्द से जुड़िए और अपना रिजल्ट सिक्योर कीजिए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं 2018 की तरफ में, 2018 में भी सेम बोला आपको क्या कर रहा है, करेक्ट स्पेल चुनना है, तो डिफाई, DEIFY, डिफाई, डिफाई का मतलब होता है पूजा करना, आपको साइनोनिम्स मैंने जब पढ़ाया था तो वहां पे बताया था, डिफाई वर्शिप यानी कि पूजा करना। नेक्स्ट देखिए लिखा वो कंटिन्यूटी, CONTINUITY, देखिए बोलने से भी पता चलता, कंटिन्यूटी मतलब एक लगातार बिना रुकावट का, यानी कि एक लगातार चलना। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है थर्ड में कन्वल्सेंस, CONVALESCENCE, कन्वल्सेंस, कन्वल्सेंस का मतलब होता है आरोग्य लाभ, क्या होता है, कन्वल्सेंस का मतलब होता है आरोग्य लाभ। नेक्स्ट फोर में लिखा हुआ कॉम्युनिकेट, COMMUNICATE, कॉम्युनिकेट, कॉम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, या कहिए संवाद करना, सिंपल सी बात है, बातचीत कहिए या संवाद करना, बात सेम ही है। नहीं देखिए कि फाइव में लिखा हुआ डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, DEPRECIATE, देखिए नाम से पता चल, एप्रिसिएट मतलब आपको ऊपर बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन डिप्रिसिएट मतलब क्या कर रहे हैं, आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि डिप्रिसिएट का मतलब हो गया वैल्यू गिरना, यानी कि मूल्य कम होना, क्या कह सकते हैं, मूल्य कम होना कह सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट उसी तरह से 2019 में चलिए, अब आपसे कहा गया है फिर से वही लिखना है करेक्ट स्पेल्ड को, लेकिन एक दो तीन इसमें चार ऑप्शन सर लिखा हुआ है, तो इस चारों में से जो सही था मैंने उसको ऊपर लिखा, सही कौन था, पेजेंट, PAGEANT, पेजेंट, पेजेंट का मतलब क्या होता है, तमाशा, ध्यान रखिएगा क्या होता है, तमाशा बनाना। नेक्स्ट सेकेंड में लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो डॉक्टर लोग जो पर्ची देते हैं ना उसको प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है, तो प्रिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग क्या होगा, PRESCRIPTION, प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या कह सकते हैं, पुर्जा कहिए, क्या कहेंगे, पुर्जा, ठीक है, सिंपल सी बात है, डॉक्टर वाला पुर्जा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ नेक्स्ट लिखा हुआ है PEASANT, पीसेंट, पीसेंट का मतलब क्या होता है,
कृषक। अब कहिएगा कि सर किसान फार्मर, ये भी इसका मीनिंग भी होता है कृषक किसान, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पीस। अब देखिए पीस जो स्पेलिंग गलत दिया हुआ था लेकिन हमने सही लिखा, पी आई ई सी ई पीस। पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। सिंपल सी बात है, पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो आगे चलते सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में जो है ना रेस्टोरेंट का स्पेलिंग सही दिया हुआ था, आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है? भोजनालय। अगर कहें तो कोई भी दिक्कतें नहीं होगा, या एक लैंग्वेज आप लोगों को बोले, यानी कि जहां पे हम लोग क्या करते हैं खाने के लिए या खाना बैठने के लिए आराम करने के लिए पैसे को पेमेंट करते हैं, वैसे जगह को रेस्टोरेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ अकर्ड, ओ डबल सी यू डबल आर ई डी, अकर्ड। अकर्ड मतलब होता है आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड में लिखा हुआ है वेनेग्नेंस, वीई एन जीई ए एन सी ई, विजेग्नेंस। विजेग्नेंस का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। फोर में लिखा हुआ एप्रिसिएट, ए डबल पी आर ई सी आई ए टी ई, एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? अभी तुरंत देखिए, मैंने यहां से आपको बोला था, क्या बोला था आपको कि डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? मूल्य कम होना। डिप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? मूल्य कम होना। तो इसी का एंटोनेम क्या होता है? इसी का एंटोनेम होता है आपको एप्रिसिएट। और एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं आपको प्रोत्साहित करना, क्या लिखते हैं? प्रोत्साहित करना, लिख लीजिए प्रोत्साहित करना। लेकिन एक चीज हम आपको बोले थे विजिग्नेंस, विजिग्नेंस का हिंदी क्या होता है? प्रतिशोध करना। क्या होता है? प्रतिशोध। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आगे देखिए फाइव, फाइव में क्या लिखा हुआ? हाइजीन, एच वाई जी आई ई एन ई, हाइजीन। हाइजीन देखिए कितना बार रिपीटेड हुआ है? बहुत बार रिपीटेड हुआ सर। हाइजीन का मतलब क्या होता है? स्वच्छता, स्वच्छ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ हिपोक्रेसी, क्या लिखा हुआ है? हिपोक्रेसी, एच वाई पी ओ सी आर आई एस वाई। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कपट, पाखंड, जो भी कह सकते हैं, दुष्ट, नीच, ठीक है। अब चलते 2020 में, तो 2020 में देखिए आपको दिया हुआ मैन्यूवर, एम ए एन ई यू वी ई आर। मैन्यूवर का मतलब होता है तिक्रमबाजी। क्या होता है बउआ? रे तिक्रमबाजी करना, या कहिए पैतरेबाजी करना, बिना बेफालतू का लड़ना झगड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ कमिटी, सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई, कमिटी। कमिटी का मतलब क्या होता है? समिति होता है। क्या होता है? समिति होता है। नेक्स्ट आगे थर्ड में देखा जाए तो लिखा हुआ है सैक्रिलीजियस, थर्ड में क्या लिखा हुआ है? सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस का मतलब क्या होता है? कि मतलब किसी भी पवित्र चीज को अपवित्र कर देगा, वैसा चीज जो क्या करे, शुद्ध चीज को अशुद्ध कर देगा, यानी कि एक एक भाषा में कह सकते हैं अपवित्र इसको कह सकते हैं। लेकिन इसका स्पेलिंग अगर देखा जाए तो स्पेलिंग क्या होता है? एस ए सी आर आई एल ई जी आई ओ यू एस, सैक्रिलीजियस। नेक्स्ट देखिए फोर में लिखा हुआ एकोमडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी। देखिए याद कैसे हो, एकोम, देखिए ए डबल सी ओ एम एकोम, एकोमो एकोमो, ए डबल सी डबल एम ओ एकोमोडेट डी ए टी, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है? यानी कि एक जगह जमा करना, यानी कि कलेक्ट करना, क्या कह सकते हैं इसको? संग्रह करना, जमा करना, एकत्र करना, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ फिर से, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिकमेंड, आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। क्या होता है? सिफारिश करना, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलेंगे 2020 तक पहुंच गए हैं, 21 22 23 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब जो है ना कि डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन अब क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब जो है कि आपको इस चार ऑप्शन दिया होता है, इस चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्पेल्ड दिया हुआ है। तो देखिए यहां से मैंने देखिए आपको लिख दिया, जो इनकरेक्ट दिया हुआ था उसको मैंने सबसे ऊपर लिखा, यानी कि टायरनी का स्पेलिंग गलत दिया होता। एक्चुअली में टायरनी का स्पेलिंग होता है टी वाई आर ए डबल एन वाई, टायरनी। टायरनी का मतलब एक्चुअली में हिंदी जो होता है वो होता है अहंकारी। क्या होता है? सॉरी अत्याचारी कहिए, यानी कि अत्याचारी। लेकिन अगर मानिए यहां से मैंने सोचा कि चार ऑप्शन दिए होते, सबका मीनिंग अगर आपको बता दें तो वर्ड पावर बढ़ेगा और जो है कि क्वेश्चन सही होगा। टीयर, टीयर का मतलब क्या होता है? आंसू। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर आंसू होता है। नहीं, प्रिंसिपल, पी आर आई एन सी आई पी एल ई, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। अब देखिए एक और प्रिंसिपल है पी आर आई एन सी आई पी ए एल, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक कहिए या प्रधान कहिए, मुख कहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब जो है कि हमारा सेकेंड में लिखा हुआ है दो नंबर क्वेश्चन, प्रेजेंट। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पी ए
GEANT पेजेंट, इस पेजेंट का मतलब होता है मूर्ति पूजक, यानी कि मूर्ति पूजने वाला। नहीं तो पीस, PIECE पीस, ये सही दिया हो तो पीस का मतलब टुकड़ा होता है। PEACE पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति होता है। नहीं तो लिखो PEASANT पीसेंट, पीसेंट का मतलब सर आपने बताया था कृषक। तो यहां से देखिए आपको पता ही चल रहा है कि किस लेवल का यहाँ पर हम किस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है कि दिमाग में सारा सेट हो जा रहा है और एग्जाम में अच्छे करके आ पाएंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और आप लोगों का काम है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जल्दी से इस चैनल को लेके उड़ जाइए, बहुत बड़ा बना लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ही सुनहरा RRB JEE का, RRB ALP के लिए बहुत ही शानदार वर्क कर रहे हैं और आप लोगों के सामने में जल्द ही रखेंगे, पसंद आएगा तो उसको भी आगे लेके चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट के थर्ड नंबर में लिखा हुआ है कैमुटलेज, जो कि गलत है, आखिर एक्चुअली में होना चाहिए कैमुफ्लेज। ठीक है, देखिए CAMOUFLAGE कैमुफ्लेज, कैमुफ्लेज का मतलब होता है किसी के साथ में छल करना, किसी के साथ में धोखा देना। नीचे का लिखा हुआ बेसिस, ऑन द बेसिस मतलब कहते हैं आधार, यानी कि BASIS बेसिस का मतलब होता है आधार होता है। देखिए हाइजीन कितना बार आया, प्रिविलेज बहुत बार आया। हाइजीन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता। अब तो हाइजीन का स्पेलिंग आप लोगों को याद हो गया होगा, HYGIENE हाइजीन मतलब स्वच्छता। नहीं तो लिखा हुआ प्रिविलेज, PRIVILEGE प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेष सुविधा, क्या होता है, विशेष सुविधा होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो देखिए लिखा हुआ एसेसिबल, ACESSIBLE जो कि गलत है, यानी एक सी छोड़ दिया है, एसेसिबल ACESSIBLE कहते हैं एसेस कर लिया। एसेस करने का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमको देखिए कठिनाई से बच गए, यानी कि सुलभ आसानी से अवेलेबल हो जाना। नेक्स्ट देखा लिखा हुआ YACHTH का मतलब होता है नाव, नौका कहिए नाव कहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ क्वाइट, क्वाइट का मतलब मैंने क्या बोला था, शांत बोला था, ये क्वाइट का मतलब होता है पूर्णता। देखिए QUITE QUIET एक और लिख ही लीजिए साथ में QUIT, ये तीनों सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है AESLE जो कि गलत है, एक्चुअली में होता है AISLE, SLE का मतलब होता है गलियारा, क्या होता है, गलियारा होता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ SUBTLE सबटल, सबटल का मतलब क्या होता है, जटिल, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जटिल, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ DESSERT यानी कि डिजर्ट। अब देखिए यहाँ पर भी सर डिजर्ट है, यहाँ पर भी, ये हो गया डिजर्ट मतलब हो गया मिठाई, मतलब एक तरह का, कौन सा, जहां राजस्थान वगैरह तरफ जाइएगा या थोड़ा सा वेस्ट बंगाल जाइए तो खाने में देखिएगा क्या, सॉरी पेन गिर गया, खाने में जो है आपको खाना देगा, देखो उसमें देखा एक मिठाई जरूर रहेगा, यानी कि खाना खाने के बाद जो है कि खाने वाले मिठाई को क्या कहते हैं, डिजर्ट कहते हैं। और देखिए DESERT इस मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है। और आप लोग जल्द से कमेंट कीजिएगा कि डिजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो जल्द से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हम चलते 2022 में, आपसे नहीं पूछा गया, 2023 में भी हुआ सेम कंडीशन था, हमने बोला कि 2023 में शायद हम ही पहला ऐसे जो बताने वाले हैं कि आप लोगों के लिए 2023 का क्वेश्चन अवेलेबल, यानी कि क्वेश्चन के ओरिजिन मतलब की क्वेश्चन अवेलेबल किए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में एसले, देखिए हमने सही कर दिया, ऐसा वाला ही स्पेलिंग दिया हुआ था लेकिन मैंने उसको सही करके लिखा AISLE, इसलिए का मतलब गलियारा हो गया। साइट, साइट का मतलब होता है तलब, किसी चीज को जानने के लिए तलब आपके अंदर में होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या रेन, रेन का मतलब क्या होता है, वर्षा हो गया, ये सारा चीज जानते हैं। रीजन का मतलब हो गया शासन काल, जिसका मतलब कि चारों पांचों ऑप्शन अवेलेबल है, सब लिखेंगे। अब देखिए ये वाला क्वाइट, ये गलत दिया होता, आपने हम तीन आपको बताए थे QUIT QUIT QUIT, ठीक है। देखिए याच मतलब नौका, ये सही दिया हुआ, विम पहले पढ़ चुके हैं सर, इसका मतलब क्या होता है, सनक धुन मन की लहर, क्वाइट का मतलब शांत होता है, जो कि पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाइजीन, हाइजीन जो है कि मतलब स्वच्छता। नेक्स्ट देखिए बियॉन्ड मतलब प्रसंचित, पीस का मतलब क्या होता है टुकड़ा, जो कि पहले ये सभी चीज पढ़ा चुके हैं। अब देखिए 2023 में क्या लगा कि सर मैक्सिमम सारा क्वेश्चन जो है कि अगर हम सर प्रीवियस ईयर कर लिए हैं तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर से ही आपको वहां पे क्वेश्चन देखने के लिए आराम से मिले। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने पार्ट वन देखा होगा, पार्ट टू देखा होगा, पार्ट थ्री भी देख लिया, अब आप लोगों को क्या नहीं लगता है कि अब इंग्लिश पार कर लेंगे, इंग्लिश आप आसानी से पास कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल पार्ट फोर मिल जाएगा, कल कभी ना कभी शाम तक हो, 8 बजे हो 9 बजे हो, लेकिन रात तक में कल आपको एक वीडियो फिर से मिल जाएगी,
पार्ट फोर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए जो कि 2500 लगाकर जो है कि इधर उधर भटक रहे हैं।